बनाने का जब प्रोग्राम होता है हमारा बड़े साइज के, तो इसको हम प्रिसिशनिज्म यानी कि रिटर्न ऑफ रियलिज्म की तरफ आते हैं। क्यूबिज्म का एक इम्तजाज, एक मिक्सचर तो होता ही है, क्योंकि मैं शुरू से क्यूबिस्ट था, अभी भी हूँ। सर सुनता हूँ अल्लाह मियाँ है, नहीं किधर है, नजर ही नहीं आता। मैं कहा देख तू उंगली हिला सकता है, तो कहा हाँ सर। मैं कहा ये अल्लाह मियाँ है, अल्लाह मियाँ की पहचान अगर करना चाहे तो सारे नेचर का कोई भी चीज़ देख लें, एक तितली देखें, बर्ड देखें, आसमान देखो, ये तो इतना बड़ा गैप है, पहाड़ देखो, तो सॉलिड माउंटेन अगर जाते हो, अगर लोग पूछते हैं कि सर अब माउंटेन भी क्यों चले जाते हैं, क्योंकि जीता जागता अल्लाह मियाँ से मुलाकात हो जाता है। लाइफ टाइम के मुराद ज़िंदगी भर काम करने से आखिर में कुछ ना कुछ एक अवार्ड के शक्ल लेके आ जाता है सामने, एक पहचान है और कुछ नहीं है, एक छोटी सी रिकॉर्ड है। ये है ये ऑल पाकिस्तान अवार्ड, रेगिस्तान में पानी है, लोग चले जाते हैं टूरिस्ट, जाके देखा जाए ज़मीन चमक रहा है, पानी नहीं है, तो ये इसी तरीके में लगता है कि डेस्टिनी नज़दीक आ गया, सेटिस्फैक्शन वेरी वेरी नियर, जब वहाँ पहुँचता हो लगता है कि और दूर हो गया, तो डेस्टिनी तो मिलता ही नहीं, मगर हाँ लोग देख के तारीफ करते जब है तो एक लम्हे के लिए खुशी होता है। ये मैं मान ही नहीं सकता कि एक शायर कहता है कि जब वाह वाह होता है तो अच्छा लगता है। लाइफ वर्क ऑफ मंसूर राही, लाइफ टाइम वर्क। क्यूबिस्ट कहा है, क्यूबिज्म में एक बहुत एक स्कूल ऑफ थॉट जो पाकिस्तान में नुमाया तरीके में इसको आगे लेके गया है। मगर एक बात बताऊं, क्यूबिज्म जहां रुक जाता है वो हमारा जो पाब्लो पिकासो थे, वो दुनिया का एक आर्टिस्ट माना जाता है, लोग पहचानता है सब। पाब्लो पिकासो भी कहते थे कि शेड के जरिए से मैं क्यूबिज्म को तैयार करता हूँ, शेड मतलब परछाँव, शेड जैसे एक लाइट डालता है तो दूसरी तरफ शेडो पड़ता है, जिसलिए डायमेंशन आता है, डायमेंशन इज 3D, मगर रोशनी मेरे दुश्मन है,
ये पिकासो का कहना था। मगर मजे की बात यह है कि मंसूर राही में रोशनी को इन्वॉल्व किया इसी पेंटिंग में, ये पेंटिंग नजर आता है, छापा भी है। रोशनी मतलब व्हाइट, तुम देख सकते हो ये व्हाइट जगह जगह डिस्प्ले जो है, इस बाकायदा एक ऑर्नामेंटेशन का काम कर रहा है, जो कि रोशनी का किरदार यहाँ कामयाब तरीके में डिस्प्ले किया मैंने। मसलन लोग कहते हैं कि उर्दू में शेर और बकरी को एक घाट में पानी पिला दिया, मतलब पिकासो का कहने के मुताबिक इसके शेड का जो डार्क का जो दुश्मन है लाइट, उसको मिला के पेंटिंग बना लेना, ये बहुत बड़ा एक ये हिम्मत के बात है। बहुत करेजस आर्टिस्ट कैन डू इट। मगर एक बात यह है कि ये वैसे में मुझे लिखा था एक अच्छे मैगजीन में, हेडलाइन दिया था कि पिकासो भी खुश हो जाता अगर जिंदा होता, तो अच्छी बात है, मुझे खुशी हुआ था। मुझे नाम दिया था द पोस्ट पिकासो, पिकासो के बाद भी क्यूबिज्म को आगे ले जाने वाले यही आर्टिस्ट है मंसूर राही, जो एशिया में पैदा हुआ। हमारा जो है नो नाइन नो डे।